आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। सिद्धार्थनगर के बासी में दलित युवक को धोखे से ले जाकर मार डालने का मामला सामने आया है। इस मामले में ग्रामीणों ने लाश को बरामद करने और हत्यारोपियों पर मामला दर्ज करने को लेकर बस्ती हाईवे को जाम कर दिया। वहीं पुलिस के आश्वासन के बाद इस जाम को खत्म कराया गया। लोग बता रहे थे कि कोई एक्सीडेंट हो गया था, उसमें जो है वो आदमी की चोट लग गई थी, जिसको ये लोग जिला वहाँ गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहे थे, वहीं पर उसका देह स्वर्गवास हो गया है। तो वहाँ पर चूँकि वहाँ की पुलिस उसका पीएम करा रही है, इनके आदमी है और ये जो तहरीर लिख करके दे रहे हैं उसी जो भी कार्रवाई होगी होती है। पुरानी रंजिश के चलते बांसी कोतवाली के फतेहपुर में दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें गोली लगने से आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। तो वहीं बच्चों के विवाद ने यह तूल पकड़ लिया था, जिसमें अब दोनों तरफ से मामला दर्ज किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर 2 लाख रुपए मिलने की अफवाह पर पोस्ट ऑफिस में फॉर्मरों की रजिस्ट्री के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। तो वहीं इस तरह के फर्जी आवेदनों की जब प्रशासन ने जानकारी की तो लोगों को बमुश्किल समझाया। तब तक भारत सरकार के बाल विकास महिला मंत्रालय के नाम पर हजारों रजिस्ट्री की जा चुकी थी। यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत फर्जी आवेदन किए गए थे, जो उनकी रजिस्ट्री करवाई जा रही थी, तो संबंधित दुकानदार थे, इनको भी मना किया गया कि ऐसी कोई योजना जनपद में संचालित नहीं है। जिलाधिकारी महोदय से भी आदेश करवाया गया है कि ना तो इसका कोई फॉर्म लिया जाए, और डाकघर को भी निर्देशित कर दिया गया है कि अपने डाकघरों को भी निर्देश दे कि ये योजना के अंतर्गत कोई रजिस्ट्री न करवाई जाए। सीएम की सख्ती के बाद भी सरकारी डॉक्टर बेखौफ होकर निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी के चलते हमने डॉक्टरों के क्लिनिकों का रुख किया तो वहाँ डॉक्टर मरीजों को लगातार देखते मिले। प्राइवेट जगह सरकार क्या मुख्यमंत्री का अब तक आदेश नहीं मिला? नहीं, प्राइवेट हम मरीज नहीं देख रहे, कोई हमारा परिचित जैसे आपका ही कोई मीडिया वाला दोस्त, कोई हमारा परिचित या कोई प्रशासन के पुलिस के आ जाए तो उनको देख लेते हैं। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी में सांसद आदर्श गांव रहपुरा जागीर में डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की तो विधायक के साथ चौपाल लगाकर सरकार की योजनाओं को भी बताया। इसी के साथ पात्र लोगों को इंदिरा आवास में चेकों का वितरण किया गया, साथ ही डीएम ने एक लेखपाल को रुपयों के आरोप में सस्पेंड भी किया। रुड़की के लक्सर में स्कूल प्रबंधन की मनमानी के चलते पेरेंट्स ने इसकी शिकायत एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा से की तो वे आग बबूला हो गए, जिस पर स्कूल प्रबंधन को फटकार लगाई गई। तो वहीं बड़ी संख्या में यहाँ पेरेंट्स भी मौजूद थे, जिसमें कॉलेज प्रबंधन में हड़कंप मच गया। उत्तराखंड में हाशिए पर पहुंच चुकी बसपा के नेताओं की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, जिसके चलते उत्तराखंड में नसीमुद्दीन सिद्दीकी और प्रदीप जाटव का विरोध बढ़ने लगा है। तो बसपा से निकाले गए सभी नेता एक मंच पर आ गए हैं, जिन्होंने बसपा बचाओ नसीमुद्दीन हटाओ का नारा दिया। इसी के साथ निष्कासित नेताओं ने प्रेस को संबोधित कर रुपए लेकर टिकट बांटने के आरोप भी लगाए। गुस्सा तो पूरे भारत के अंदर है, जो आज बहुजन समाज पार्टी की स्थिति देखने को मिली। आज जो बहुजन समाज पार्टी के जो भी कार्यकर्ता थे, सबके मन में एक उल्लास था, एक उम्मीद थी कि सरकार बनेगी, लेकिन सरकार बननी तो दूर की बात, यहाँ हालात वो हो गए कि हम बड़े नेताओं की तो बात नहीं करते, लेकिन हम अपने जैसे लोग कहते हैं कि हम आज घर से भी निकलना, एक अपने आप को बहुत ही बेइज्जती महसूस हो रही है। लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं दूसरी पार्टी वाले, आज हमारी हालात ऐसी है कि हम किसी के सामने अपनी बात को रख भी नहीं सकते, और इसकी जिम्मेदारी अगर कहीं है सारी नसीमुद्दीन सिद्दीकी और प्रदीप जाटव जी। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।